हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज जो हम देखने वाले राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 11। सो लेट्स गेट द वीडियो गाइस। सो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी क्यूबी डाउनलोड है, ये फोल्डर है मेरे पास क्यूबी का। मैं डबल क्लिक करूंगा एंड ये एप्लीकेशन है, मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मेरी क्यूबी 64 की एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। नाउ मैं स्क्रीन थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं एक रिमार्क क्रिएट कर रहा हूँ दैट राइट प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 11। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे मैं ऐड करूंगा CLS। अब मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल, एक नंबर चाहिए और वो चेक करने का नंबर 5 और 11 से डिविजिबल है या नहीं। सो मैं लिखूंगा NO इक्वल टू 55 एंड अब यहाँ यूज करूंगा मैं इफ स्टेटमेंट, इफ NO मॉड 5 इक्वल टू 0 एंड NO मॉड 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो अलग अलग चीजें मैंने लिखी है, दो अलग स्टेटमेंट है और साथ में मैंने एंड लिखा है बीच में। मीन्स अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी मेरे पास प्रिंट आएगा नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 11, एल्स नहीं आएगा। लिखूंगा देन प्रिंट डबल कोट्स नंबर इज DIVIS IBL डिविजिबल बाय 5 एंड 11। यहाँ पे आ जाएगा एंड इफ। ओके, यहाँ पे मुझे मॉड का सिंबल नहीं ऐड करना, मुझे यहाँ पे मॉड लिखना है। मैंने यहाँ सिंबल ऐड किया था, आपको यहाँ मॉड लिखना है, MOD मॉड। ओके, हो गया सेट एंड अब यहाँ लिखेंगे एल्स प्रिंट नंबर इज नॉट DIVIS BLE डिविजिबल बाय 5 एंड 11। दैट्स इट, इसे रन करते हैं प्रेसिंग F5। ओके, सो यहाँ प्रिंट हो गया द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 11। इसे क्लोज करते हैं, क्रॉस। नाउ इसी प्रोग्राम को डायनामिकली भी चेक कर लेते हैं। सो डायनामिकली हमें सिर्फ यूजर से वैल्यू लेनी है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, पहले मैं CLS इंसर्ट कर रहा हूँ और मैं टाइप करूंगा प्रिंट और इस यहाँ पे मैं एक रिमार्क ऐड कर दूंगा। रिमार्क यहाँ ऐड कर देते हैं REM और मैं लिख रहा हूँ डायनामिक प्रिंट और यूजर से मुझे वैल्यू इंसर्ट करवानी, सो मैं टाइप करूंगा ENTR एंटर द नंबर। नाउ मैं यहाँ लिखूंगा इनपुट और इनपुट में आ जाएगा NO फॉर अ नंबर, मैंने वेरिएबल लिया NO, सो इनपुट में NO आ जाएगा। नाउ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मुझे यहाँ क्या करना है, अब लिखूंगा इफ NO मॉड 5 जो हमने ऊपर लिखा है इक्वल टू 0 एंड NO मॉड 11 इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट नंबर इज DIVIS BLE डिविजिबल बाय 5 एंड 11 एल्स प्रिंट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 11 और यहाँ पे आ जाएगा एंड इफ। और फाइनली प्रोग्राम को एंड करना है तो मैं टाइप करूंगा एंड, से रन करते हैं प्रेसिंग F5। ओके, एंड द नंबर, सो 45 नंबर इज नॉट डिविजिबल। वापस रन करते हैं, एंटर नंबर 55, सो नंबर डिजिबल 5 एंड 11। सो ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। इसे सेव करना है सो हमें प्रेस करना है Ctrl+S। मैं यहाँ लिख रहा हूँ P10 एंड आई होप आपको क्लियर हो गया हाउ टू चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 11। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक वन स्पॉट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।